हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आप लोगों के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये ऐसा टाइटल क्यों, तो साथियों वीडियो पूरा देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो साथियों, जैसा आपको बताया कि DSSSB के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं और TGT की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें जो वुमेन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया जाता था 10 साल का, वो ख़त्म कर दिया। और वो ख़त्म करना ऐसे टाइम पे जहां वो घर पे बैठे हुए थे, रोज़गार नहीं था, और एक तरफ हम बातें करते हैं कि वुमेन का जो स्टैंडर्ड है वो उठाया जाए, उनको कुछ मौका दिया जाए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक तरफ हम उनका रिलैक्सेशन ही खत्म कर रहे हैं। तो ये कौन सी गंदी राजनीति है, मेरी तो समझ से बाहर थी। लेकिन इसके साथ में, और जो कोविड टाइम में ओवरएज हुए थे कुछ कैंडिडेट्स, उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे थे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमने जो ये आवाज़ उठाई, उसके बाद मैं, प्रदीप सर बहुत टाइम से इसमें लगे हुए थे। तो बीच में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो हमें उल्टा सीधे बोलने लगते हैं, वीडियोस को डिसलाइक करने लगते हैं। चलो डिसलाइक ठीक है, आप करो, कोई वी डोंट केयर, और डिसलाइक से कुछ नहीं होगा। वो सब चलो, अपनी एक सोच होती है, वो दिखाता है कि अगर किसी के हक के लिए कोई लड़ रहा तो उनको कैसे खींचा जाता है। तो ये तो डिसलाइक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे एक लाइक हो, 100 डिसलाइक हो, वी डोंट केयर, क्योंकि हम अगर सच के साथ हैं तो हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो साथियों, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हमें उल्टा सीधा बोलने लगे, और ये सब चलता रहा। प्रदीप सर हमें बहुत सारे लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कॉल करके कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, धमकी तक दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर हम उन बहनों के साथ हैं तो हम अंत समय तक, हार जीत चाहे कुछ भी रिजल्ट निकले, लेकिन हम अंत समय तक उनके साथ रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट, चाहे PRT TGT PGT, जो भी रिलैक्सेशन चाहता है, हम उनके साथ हैं। मैं, प्रदीप सर, हमारी पूरी टीम उन कैंडिडेट्स के साथ है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपना काम पूरा करेंगे। और इसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा शर्म आती है, उन यूट्यूबर्स पे आती है जो पैसे कमाने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने आप को नंबर वन बताते हैं, अपनी रैंकिंग दिखाते हैं, लेकिन वो किस बिल में छुप गए हैं वो कुछ किसी को नहीं पता। ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपने, जैसे न्यूज चैनल्स हैं, उन पे अपने बड़े बड़े इंटरव्यूज देते हैं, SSC का जब कुछ होता है तो वहाँ पे मतलब उनको चांस दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब DSSSB की बात होती है, जिन कैंडिडेट्स ने उनको ऊंचा उठाया, उनको मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि किस बिल में आप छिपके बैठ गए हैं। आज जब वुमेन कैंडिडेट्स या इसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स, उनको आपकी ज़रूरत है। आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने घूम रहे ना, तो आप इन कैंडिडेट्स की वजह से हैं, ये आपकी वजह से नहीं है, इन्होंने आपको ऊंचा उठाया है। लेकिन शर्म की बात यह है कि जब इनको आपकी ज़रूरत है तो आप लोग आगे नहीं आ सकते। और साथियों, मैं एक बात और बोल देता हूँ, जो धमकी देने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको मैं एक बात ये बोलता हूँ कि अगर इनकी जगह आपकी बहनें होती तो आप क्या करते? ये कैंडिडेट्स हमारी बहनें हैं, हमारा परिवार है, और हम इनके लिए खड़े रहेंगे। मैं, प्रदीप सर, इनके लिए खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हम लोगों का वादा है आप लोगों से। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने लेवल से अंत तक प्रयास करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स, लेकिन मुझे दुख ये है कि जो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल के प्रमोशन लेते हैं, वो कहाँ छिप गए भाई? अपने काम के लिए, कमाने के लिए तो आप लोगों को ये कैंडिडेट्स दिखते हैं, लेकिन जब ये मजबूरी में हो, मुसीबत में हो, तब कहाँ छिपते हो तुम लोग भाई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी। तो मुझे ये सबसे गंदे यूट्यूबर लगते हैं। SSC के लिए, SSC में बहुत अच्छे अच्छे मैंने लोग देखे जो प्रोटेस्ट में गए और ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलाया, लेकिन अभी एक सर है हमारे, रोहित सर, उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया, तो उसमें लोग उनको सपोर्ट करने की जगह उनकी टांग खींचने में आ गए। भाई क्यों, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप लोग उनके साथ आने की बजाय आप उल्टा सीधा बोलते हो। तो साथियों, यही है, बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना है ये, कि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन जब किसी को ज़रूरत है, उन महिलाओं को, और आपको एक बात और बताता हूँ मैं, अगर कोई वुमेन, हमारे समाज के हिसाब से अगर हम देखें, मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं इनके साथ क्यों, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रीज़न। अगर कोई वुमेन 35-40 साल की जॉब के लिए
अपना मतलब हक चाहती है, रिलैक्सेशन चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि 99% उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे होते तो वो शायद इस मतलब रिलैक्सेशन नहीं चाहते। तो आप समझिए मजबूरी क्या है। अगर महिला आगे आना चाहती हैं, आप लोग उनके साथ आने की बजाय आप लोग जो उनके सपोर्ट में हैं आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मुझे इनसे बेशरम, इनसे नीच लोग कोई नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ना कि नंबर वन मैं हूँ, डेढ़ लाख मेरे पीछे फॉलोअर्स है, कहाँ मर रहे हो भाई तुम लोग। सबसे पहले कुछ बोलना सीखो तुम लोग। तुम लोग यूट्यूबर बने घूम रहे हो, तुम लोगों में बोलने की तमीज है, धैर्य दृढ़ता पता है क्या होती है। मैं क्योंकि क्लास नहीं पढ़ाता यहाँ पे, लेकिन जो पढ़ाते हैं ना धैर्य और दृढ़ता, आप लोग पढ़ाते होंगे ना, आपके अंदर कौन सी धैर्य दृढ़ता है। आप लोग उल्टा सीधा बोल के लोगों के आप लोग व्यूज लेते हो, आपको समझ नहीं आती। आज जो मुसीबत का समय है तो लोग पहचान ही आप लोग कौन आपके साथ सही है कौन आपके साथ गलत है। और अगर कोई महिलाओं के लिए आगे आ रहा है, ये निकम्मे लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग डिसाइड करिए सही गलत कौन है। और अगर आप लोगों में थोड़ी भी शर्म है, आप महिलाओं के हक के लिए आइए आगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।